अस्सलाम वालेकुम, आई एम सिदनाज। तो कैसे आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पकौड़ों की रेसिपी। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आज हम बहुत क्रिस्पी पकौड़े बनाएंगे। हमने आलू लिए हैं, इनको लंबाई में काट दिया है, प्याज ली है और साथ में ली है पालक, फ्रेश पालक ली है हमने, इसको धो लिया अच्छे से। साथ में हमने चीज़ें ली हैं, मेथी, सूखी मेथी ली है और साथ धनिया और अजवाइन ली है। अजवाइन पकौड़ों में जायका बहुत अच्छा आता है इसे। सुरख मिर्च ली है, नमक और साबुत सूखा धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च ली है। साथ में सब्ज मिर्च ली है हमने और बेसन लिया है और सब्ज धनिया कटा हुआ बारीक काट लिया है हमने इसको। चले इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, बड़ा बाउल ले लेना है जिसमें इसको हम आसानी से मिक्स कर सकें। प्याज ऐड करेंगे हम इसमें, प्याज के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे आलू बारीक कटे हुए, इनको हमने लंबाई की शेप में काट लिया था। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पालक। पालक के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज धनिया कटा हुआ। और सब्ज मिर्च को भी मैंने चॉप कर लिया था। साथ में हम इसके ऐड करेंगे बेसन। बेसन ज़्यादा ऐड नहीं करना हमने इसमें, कम ही डालना है ताकि क्रिस्पी बने। और साथ हमने इसमें ऐड कर दिए हैं स्पाइसेस, जो मैंने आपको बता दिए थे कि हम क्या क्या इसमें ऐड कर रहे हैं। तो हमने इसे हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसके पकौड़े बनाएंगे। ऑयल हमने पहले गरम करना है, ऑयल को अच्छे से गरम करके उसको फ्लेम जो है इसको मीडियम कर देंगे। इसमें हम वन बाय वन पकौड़े डाल देंगे। यहाँ अब आप मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं बनाएंगे। बहुत क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं, बहुत सिंपल रेसिपी है लेकिन उतने ही मज़े के बनते हैं, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब इनको 2 मिनट हो चुके हैं तो अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। दोनों साइड से पकौड़ा अच्छे से फ्राई हो चुका है तो अब हम इनको निकालेंगे और डिश आउट करेंगे। बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़े का पकौड़ा बनता है। हमारी आज की रेसिपी जो है वो तैयार है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक बार इस तरह से बना के देखिएगा। बहुत मज़े के बनते हैं बेसन के पकौड़े, क्रिस्पी इतने होते हैं ये देखें, बहुत ही जायकेदार होते हैं। रमज़ान का मज़ा दुबाला हो जाता है पकौड़ों से। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।